क्या जोहार, मैं हूं तपेश जैन। मेरे साथ में श्रीमती सायरा खान जी, जो कि अभी वार्ड के चुनाव होने वाले हैं। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड से आप दावेदारी करें, पिछले 20 सालों से कांग्रेस की राजनीति में हैं। सायरा जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, अपने बारे में थोड़ा परिचय हो जाए आपका। मैं श्रीमती सायरा खान, प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस से, गुरु घासीदास ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और अभी मैं प्रत्याशी हूँ कांग्रेस के। दावेदारी कर रहे हो आप, महिला सचिव भी हो आप प्रदेश में जी। कितने साल से काम कर रहे हैं? 20 साल से काम कर रहे हो। क्या अनुभव हुआ राजनीति में? महिलाएं बड़ी कम आ पाती हैं। हाँ, महिलाएं कम आ पाती हैं। कई घरों में क्या बंदिश भी है, भाईचारा भी है। कई लोग पसंद करते हैं राजनीति में आना, कई लोग पसंद नहीं करते। मेरे यहाँ भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन मेरे को धीरे धीरे मेरे को समय दिए और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या कितने बूथ होंगे यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में? 10 बूथ है। 10 बूथ है। कितने मतदाता है? 10,728। इसमें अगर जाति की बात करेंगे तो क्या अलग अलग जाति के मुस्लिम समुदाय के ज्यादा लोग हैं यहाँ पे? हाँ है, मुस्लिम समुदाय के। कितने वोटर होंगे करीब? 4 से 4,500। 4,500 वोटर हैं। अभी वहाँ पर क्या स्थिति है, मतलब वार्ड सामान्य हुआ है? जी सामान्य हुआ। पुरुष भी लड़ सकता है, महिला भी लड़ सकती है? जी हाँ, महिला। लेकिन आप महिला होकर दावेदारी कर रहे हो पुरुष के, उसमें इसलिए दावेदारी कर रही हूँ, कुछ कारणवश कर रही हूँ और 20 साल से राजनीति में हूँ तो मेरा अधिकार बनता है और जहाँ तक मेरे को भरोसा है, यकीन है, मुझे टिकट मिलेगी, 100% मिलेगी। क्या लगता है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाओगे आप? मैं जनता के बीच में कुछ समस्याएं हैं जो अभी मैं वार्ड में घूम रही हूं, सर्वे कर रही हूं, उससे ये पता चल रहा है जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उस बस्ती में जा ही नहीं रही हैं। क्यों नहीं जा रही है, क्या कारण है, क्या मकसद है, पता ही नहीं चल रहा। ना किसी के पास निराश्रित है, कई बोलते हमारे पास सहायता राशि नहीं है, कई बोलते हमारा खाता नहीं है, कई बोलते हमारे वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, हमारी झोपड़ी टूट गई है, हमको सरकार की योजना का हमको पता नहीं चलता, हमको कौन बताएगा। ये सारी समस्याओं को ले जो हमने सुनी हूँ तो मेरा सोचना है कि मैं पार्षद बनती हूँ, जो हमारी वार्ड की समस्याएं हैं जो महिलाओं ने जेंट्स ने बताया है उसको मैं पूरा करूँगी, 100% पूरा करने की कोशिश करूँगी। अभी भी तो बीजेपी की अगर कहा जाए बात, कही कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस का मेयर है, उसके बाद में भी अगर इतनी समस्याएं हैं तो कैसे कहेंगे? असल में क्या है, हमारे वार्ड में बीजेपी के पार्षद हैं तो कई लोग बोलते सरकार तो अभी कांग्रेस की है, मैं योजना क्यों बताऊं, मैं क्यों करूं, ऐसा भी हो सकता है, मेरा सोचना भाई। अगर आपको टिकट मिलती है जैसा कहा जा रहा है कि, तो आप ये सब समस्याओं को लेकर जी जो आपने बात की है वो सब पूरा करेंगे आप? जी हाँ, मैं पूरा करूंगी। जनता से क्या अपील करना चाहोगे आप? जनता से ये अपील करने चाहूंगी कि अपना वो आशीर्वाद दे, आशीर्वाद के उसमें मेरे को वोट देकर मुझे विजयी बनाए, अपना आशीर्वाद देंगे, जो भी उनकी समस्या है, नाली है, पानी है, जो जितनी भी समस्या है पूरा उनको मैं करने की कोशिश करूंगी। बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर में एक जज्बा है कि जनता की सेवा करने का, तो पार्टी का ध्यान देना चाहिए कि पार्टी आप दावेदारी कर रही हैं तो प्रत्याशी भी बनाए। पार्टी 20 साल से आप लगातार राजनीति कर रही हैं। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी है, आपका शुक्रिया, आपने समय दिया, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमको मौका दिया आपके सीजी स्टार की तरफ से हमारे को इस लायक समझा और हमारी स्पीच ली आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।